सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो, कल आपने देखा था ब्रह्मपुरी के स्टेशन तक, आज मैं ब्रह्मपुरी के स्टेशन क्रॉस करने के बाद मैं दोस्तों देख सकते हो दोनों साइडों में ही अभी ये पिलर बनाने का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इन पर फाउंडेशन बना लिया जा चुका है। अब इन पर रिंग लगाए जाने के बाद में इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा इन पिलरों में, फिर ये बन जाएंगे दोस्तों। बन जाने के बाद में फिर इन पे बीम डाला जाएगा। बीम डालने के बाद में फिर इस पे गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, इधर के ये पिलर बन चुके हैं। और आपको बता दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन पिलरों की हाइट कम होती चली जाएगी, क्योंकि आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरठ सेंट्रल, और मेरठ सेंट्रल से ये RITS अंडरग्राउंड हो जाएगी जो दोस्तों, जो कि ये निकलेगी जाकर कहाँ पे, बेगम पुल से आगे। बेगम पुल के अंदर भी इसमें अंडरग्राउंड स्टेशन रहेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें मेरठ सेंट्रल और आपका क्या बोलते हैं वैशाली नगर बस स्टैंड और बेगम पुल, इसमें तीन स्टेशन RITS के अंडरग्राउंड होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से देख सकते हो ये अंडरग्राउंड काम चल रहा है, टनल बनाई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल। पर दोस्तों सुरंग देखो, यहाँ से ये टनल बनाई जा रही है, और टनल ये बनाई जा रही है मेरठ सेंट्रल में ये सुरंग बनाई जा रही है कुछ इस तरीके से, जो अंडरग्राउंड चलेगी दोस्तों। देखो ये कुछ ये तीन है यहाँ का, ये देखो ये यहाँ से मेरठ सेंट्रल से ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। JCB चल रहा है और इस पर पाटने का काम चल रहा है, जो यहाँ से अंदर की साइड जाएगी दोस्तों। तो यही है तीन यहाँ का, ये देख सकते हो तस्वीर है कुछ ये है, और यहाँ पर ये इन्होंने ये बना दिया है पहले ही, इसको पाट दिया, और आगे ये अंदर निकलेगी जाकर ये बेगम पुल होते हुए और तुम्हारा ये वैशाली नगर में जाकर एंड हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो यही बना रहे हैं अभी टनल को, ठीक है, तो चलते हैं दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो इसकी मिट्टी निकाली जा रही है देख सकते हो ये वाली, और मिट्टी निकाल देने के बाद में फिर ये अंडरग्राउंड हो जाएगी जो निकलेगी जाके। अब यहाँ से आपको आगे चल के दिखाते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है, JCB खड़े हुए हैं, और देख सकते हो यहाँ पर ये गार्ड खड़े हुए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हो, ये अंडरग्राउंड टनल का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये मिट्टी की खुदाई पुदाई वगैरह चल रही है यहाँ पर। और आपको बता दो मेरठ सेंट्रल से लेके, और आपको बता दो कि वैशाली नगर का जो RITS के स्टेशन है वहाँ तक ये टनल बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी टनल मतलब बनाई जा रही है, जो कि वैशाली नगर से और बेगम पुल के बीच में बनाई जा रही है, उसका अंदर काम चल रहा है दोस्तों, और फिर उससे आगे जाके निकल जाएगी, ये एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत आप सभी लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन लाता रहता, आपको देता रहता है दोस्तों। चल मैं यहाँ पैदल तो दिखाई सकता हूँ, हाँ देखो दोस्तों ये चल रहा है यहाँ पर जो टनल बनाई जा रही है,
ये देख सकते हैं इसकी दीवारें, इसकी मिट्टी निकाली जा रही है टनल की। कुछ ये वर्क चल रहा है यहाँ पर मेरठ सेंट्रल में। देखो एक जेसीबी ये लगी हुई है, ये मिट्टी हटा रही है दोनों साइडों में। देख सकते हो ये टनल बनाने का ही काम चल रहा है, जो नीचे TBM को डाला गया है यहाँ पर। तो देख सकते हो ये बेगम पुल में जाकर निकलेगी, ये देख सकते हो। कुछ ये है यहाँ का नज़ारा दोस्तों, देखो ये जेसीबी चल रहा है। तो यही सीन है, और वो अंदर से मिट्टी को निकाल रही है, ये जेसीबी निकाल रही है टनल के अंदर से मिट्टी को निकाला जा रहा है दोस्तों। देखो कुछ यही सीन है यहाँ का मेरठ सेंट्रल का। तो ये मेरठ सेंट्रल ही है सारा। तो चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो फुटबॉल चौक यानी कि बागपत चौराया। तस्वीरें ये देख सकते हो, ये सारा यहाँ का जो एरिया है ये है फुटबॉल चौक यानी कि बागपत चौराया। और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड इसका स्टेशन होने वाला है मेरठ सेंट्रल का दोस्तों। दूसरा स्टेशन होगा वैशाली नगर, तीसरा स्टेशन होगा बेगमपुर। तो ये यहाँ पर तो टनल बना के कम्प्लीट कर ली गई है, इसका ही खुदाई का काम चल रहा है और यहाँ पर स्टेशन बनाने का काम चल रहा है इस मेरठ सेंट्रल में दोस्तों। और देख सकते हो फुटबॉल चौक ये सामने आप लोगों को, वो फुटबॉल चमक रही है, ये है फुटबॉल चौक यहाँ का यानी कि बागपत चौराया। और ये आ जाता है मेरठ के अंदर, ये मेरठ का मेन चौराया दोस्तों, ये देख सकते हो ये फुटबॉल चौक। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि फुटबॉल चौक इसलिए है यहाँ पर कि जो बॉल गेंद ये सारा बिजनेस यहीं होता है। क्रिकेटर जितने भी क्रिकेटर हैं वो यहीं से बैट बॉल ले जाते हैं खरीद के सब। बहुत ज़्यादा ये आपको बता दूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरठ के अंदर सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है, जो शहर है वो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर फुटबॉल चौक बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ से हम निकलते हुए सीधे चलेंगे, आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कहाँ के लिए, ये आपका वैशाली बस स्टैंड पर, वहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग इन्जॉय करो ऐसे ही वीडियोज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितनी तंग गलियाँ, और यहाँ पर जाम रहता है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से एलिवेटेड SRRTS को निकाला जाता तो इतना जाम का सामना करना पड़ता दोस्तों, इतना करना पड़ता क्या ही बताएं आपको। तो इसी वजह से इसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें टनल बनाई गई है दोस्तों, इसी वजह से, ये जाम की वजह से ही इसमें टनल बनाई गई है, जो कि 6 किलोमीटर की टनल है दोस्तों, 6 किलोमीटर की यहाँ पर है और 6 किलोमीटर की आनंद विहार में है। 2 टनल बनाई गई हैं 12 किलोमीटर की, और 70 किलोमीटर का पार्ट ये दोस्तों एलिवेटेड है। टोटल ये 82 किलोमीटर का रूट है दिल्ली के सराय काले खां से और मेरठ के मोदीपुरम तक दोस्तों, जो डिपो है वहाँ तक ये जाएगी, मोदीपुरम तक लास्ट हो जाएगी। तो 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, और ये 30,272 करोड़
की लागत से बनाई जा रही है ये। और आपको बता दूँ कि इसमें 17 किलोमीटर का पार्ट अब मार्च में स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, उसका मुहूर्त कर दिया जाएगा, जो कि साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर का पार्ट खोल दिया जाएगा दोस्तों। उसी पर जोर शोर से काम चल रहा है इस टाइम पे, और अभी इस साइड में बेरठ की साइड में काम बहुत स्लो चल रहा है, और इसी वजह से चल रहा है क्योंकि सारे वर्कर्स जितने भी टीमें हैं वो सब उधर ही लगी हुई हैं बनाने में तेज़ी के साथ में, क्योंकि मार्च में उसे ऑपरेशनल करना है दोस्तों इसी वजह से। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और सन 2025 में आपको बता दूं कि दुहाई से लेकर और मेरठ तक ये पूरा कॉरिडोर खोल दिया जाएगा, 2025 में खोला जाएगा, तो तब तक बन के कम्प्लीट हो जाएगी। लेकिन 23 में और 24 में ये बिल्कुल, जब तक 24 आएगी एक साल के भीतर भीतर ये बिल्कुल कम्प्लीट कर लेंगे दोस्तों। आखिर सरायकालाखान से लेकर और मेरठ के मोदीपुरम तक ये क्लियर कर ली जाएगी एक साल के भीतर भीतर दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को शिलो काम होता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये आ गया वैशाली नगर का बस स्टैंड, और यहीं पर दूसरा स्टेशन बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड RRTS का दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्या ही नज़ारा यहाँ पर। और देखो ये जो क्रेन मशीनें खड़ी हुई हैं, ये नीचे की TBM को और जो इसके सेगमेंट होते हैं मतलब टनल के, उनको नीचे पहुंचाने के लिए, और वहीं पर ये मिक्सर प्लांट है देख सकते हो। तो ये जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है FCONT इंफ्राटेक। तो देख सकते हो दोस्तों ये है वैशाली नगर के अंदर, और वैशाली नगर का बस स्टैंड देखो ये है इधर की साइड में, ये देख सकते हो ये लिखा हुआ है वैशाली नगर देख सकते हो। और आगे आप लोगों को बस स्टैंड देखने के लिए मिलेगा वैशाली नगर मेरठ, देख सकते हो दोस्तों ये वैशाली नगर का बस स्टैंड दोस्तों, और यहीं पर ये स्टेशन बनाया जा रहा है वैशाली नगर स्टेशन देख सकते हो RRTS का। देखो कितनी भारी भरकम मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये इनका ऑफिस बनाया जाएगा स्टेशन मास्टर का। तो यही है, और आप लोग बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी को। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो ये है बस स्टैंड वैशाली नगर मेरठ का, जो कि मेन बस स्टैंड है दोस्तों। और यहाँ से ये निकलते हुए ये भी अंडरग्राउंड रहेगी दोस्तों, और अंडरग्राउंड होते हुए ये बेगम पुल जाकर निकलेगी, और बेगम पुल से फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी, फिर आगे जाकर निकलेगी एलिवेटेड हो जाएगी दोस्तों MES कॉलोनी में जाकर ये बाहर निकल जाएगी दोस्तों। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग बताना कि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। और तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि कितना कंजेस्टेड एरिया है यहाँ का, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लो डाउन रहता है। तो अभी आप लोग देख लो कि यहाँ पर बहुत पुरानी मार्केट है, तो इस वजह से यहाँ पर एलिवेटर नहीं बनाई गई है, इसी वजह से इसको अंडरग्राउंड रखा गया है दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से या मार्केट की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सकरी सकरी गलियां हैं बहुत ज़्यादा, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए। तो दोस्तों आप सभी बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ। और कंजक्शन एरिया है बहुत ज़्यादा है यहाँ का, इस मेरठ सिटी का देख सकते हो। जब वैशाली नगर से हम निकलेंगे और बेगम पुल के लिए जाएंगे, तो ये पुराना मार्केट है, बहुत पुराना ही मार्केट है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आप सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।